अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज अमन में रखे, आमीन। तो जी ये अब हम जा रहे हैं घूमने, तो ये अब हम गए थे फिफ्थ ईद को घूमने, तो ये अब हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। ज़्यादा आप लोग ज़्यादा नहीं बना सके क्योंकि सारी साथ फैमिली शामिल थी, तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी। उसके बाद जी अब हम पहुंच गए हैं जहां हम गए थे, उस जगह का नाम था खजूरी बाबा। तो जी अब हम उधर पहुंच गए और ये मैंने अपनी भांजी को उठाया हुआ है। मैं शूज़ पहन के अंदर जा रही थी, भूल गई थी व्लॉग के चक्कर में। तो फिर छोटी भांजी एक है, उसने कहा कि ये क्या आप शूज़ के साथ अंदर आ रही हैं। तो फिर उतारे और फिर अंदर आए, हमने सलाम किया, दुआ मांगी। बहुत मज़े की जगह है, आप लोग जो काला बाग वाले हैं वो भी देखें, इंशाल्लाह उम्मीद है उनको भी पसंद आएगी की जगह और वो भी एक बार ज़रूर इधर आए। उसके बाद जी हमने दुआ मांगी, सलाम किया। उसके बाद हम लोगों ने जब चादर चढ़ाई थी, हम अपने घर से लेके गए थे ना, चादर चढ़ाई और रेस्ट किया क्योंकि बहुत ऊंचाई थी। हम लोग जहाँ पे चढ़ के आए ना तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। फिर सलाम किया, दुआ मांगी, उसके बाद थोड़ा पानी वगैरह पिया, रेस्ट किया। फिर उसके बाद आगे जाना था, बहुत दूर था, नीचे से ऊपर आए, ऊपर से फिर नीचे गए, तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। थक के उसके बाद थोड़ा मैं आप सबको व्यू दिखाती हूँ, पहाड़ी पहाड़ हैं और सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। तो जी अब हम अपने शूज़ पहन के जाते हैं नीचे जहाँ हम लोगों ने जाना था। तो ये सारी हमारी चचियाँ, कज़नें, बहनें, फैमिली सारे थे, तो मर्द जो थे वो उनके पास खाने बनाने का सामान था तो वो पहले ले गए थे। हम लोगों ने सलाम किया और अब हम जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा ये नीचे गहराई थी ना कि इधर बस एक बार आप लोग थोड़ा चलें, उसके बाद आपको ऐसी स्पीड लगेगी कि आप लोग नीचे जाके रुकेंगे, बंदा खुद ही भाग भाग के नीचे चला जाता है। तो अब हम जा रहे हैं सबके पास, हम सबके पास, कोई किसी के पास चीज़ थी खाने, किसी के पास बच्चे थे और किसी के पास पानी वगैरह था। इसके बाद अब हम ये रास्ते में जा रहे हैं, यहाँ जो पाइप लगे हुए थे मैं समझ गई थी यहाँ पे ना जिप लाइन या कुछ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तो जैसे जगह सोची थी वैसे नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी जगह थी, बहुत बहुत, क्योंकि ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है और यहाँ तकरीबन ज़्यादातर ग्रीनरी ही थी। तो हम लोग जा रहे हैं, उस दिन गर्मी ज़्यादा थी लेकिन जहाँ हम नीचे गए थे ना तो वहाँ काफ़ी ठंड थी। ये मेरी बांझी थी, उसे मैंने कहा, उसने कहा मैं आपसे आपके पास आती हूँ, लेकिन मैं व्लॉग बना रही थी तो फिर वो मुझे डिस्टर्ब करती, इसलिए मैंने उसको नहीं उठाया। तो अब हम जा रहे हैं, तकरीबन आधा घंटा लगा था हम लोगों ने जहाँ जाना था वहाँ। तो जा रहे हैं, बातें की हैं, बातों में पता ही नहीं चला और पहुँच गए। उसके बाद शुक्र है मैं आज वो मतलब नहीं बोल रही, वरना मेरी आदत है मतलब बोलने की। और मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे कहती तुम मतलब बहुत कहती हो, जिसको जिस चीज़ की आदत है वो अपनी आदत छोड़ तो नहीं सकता। मैंने इस बार कोशिश की है कि मैं आदत अपनी आदत को छोड़ दूँगी। ये हमारे चाचू नीचे उधर खड़े थे, पानी भर रहे थे, काफ़ी नीचे थे, गाए हुए थे। तो ये देखें, मेरी बहन ने कहा इधर बैठ के पिक्स बनवाए, मैंने कहा हाय अल्लाह नहीं, मैंने इधर गिरना है कोई। तो जी ये आगे एक जगह थी, काफ़ी ज़्यादा गहराई थी, तो उधर से हमने गुज़र के जाना था। तो बहुत मज़े के यहाँ वाक्य बने थे, मतलब फ़नी। तो बस ये वो मैं आप सबसे शेयर नहीं कर सकती थी। उसके बाद जी अब हम लोग वो जगह क्रॉस करके आ गए हैं, बहुत मज़े की जगह थी, बहुत ठंड थी, ऊपर पहाड़ था, पहाड़ से पर लोगों ने रास्ते बनाए हुए थे गुज़र के जाने के, तो हम जैसे गुज़र के आए हैं। बड़े मज़े की जगह थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, आप लोग भी ज़रूर एक बार इधर विज़िट करें। काफ़ी ठंड थी और छोटे छोटे नालियों वगैरह पानी की बनी हुई थी, वहाँ से पानी आ रहा था। तो अब हम जा रहे हैं, ये मेरी कज़न जा रही थी अपनी बेटी को उठा के,
काफ़ी डर लगा था पहले, मैंने देखा हाई अलर्ट, मैंने कहा मेरे तो यहाँ सांस ही बंद हो जाएगा, लेकिन आगे आगे जा रहे थे और इतनी मज़े मज़े की जगह थी कि दिल खुश हो गया था। उसके बाद जी हम लोगों ने वहीं जाके कुकिंग की थी। तो ये मेरा एक कज़न है, वो लकड़ियाँ लेके जा रहा है और कोई पानी की कूलर लेके जा रहा है और जी बहुत सारी चीज़ें थी जैसे डिब्बा वगैरह गोश्त वगैरह लेके गए थे। वहीं हमने रोटी तो घर से बना के लेके गए थे, लेकिन जो सालन था वो वहीं जाके बनाया था। ये अब इतना भारी कूलर था कि मेरी कज़न ने कहा उठाओ या फिर मेरे हाथों से संभाल लो, उसके हाथों में था पर्स, तो मैंने कहा मेरे गले में डाल दो। ये पानी की छोटी छोटी नहरें आ रही थी, तो वो बच्चों के दूध थे इसमें रखे थे, काफ़ी ठंड हुई थी। उसके बाद ही हम वहाँ पहुँच गए और अब हम लोग जो हैं वो चीज़ खा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इतनी दूर से हम लोग चल के आए हैं। उसके बाद जी हम लोग पहुँच गए और ये जो था मेरे पास पहुंच गया है। फिर उसके बाद जो मेरा वीडियो है वो आगे पीछे हो गई है, तो वो लकड़ियाँ रखी हैं अपनी अपनी जगह पे और वो जो मेरे डिब्बे वगैरह थे। उसके बाद ये हम लोग लेके गए थे गोश्त, वो साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करने के बाद वहाँ जो लकड़ियाँ लेके गए थे वहाँ हमने जलाई थी आग। मेरे कज़न हैं तो उसको काफ़ी अच्छी कुकिंग वगैरह आती है, सब ने मिल के ही कुकिंग की थी लेकिन उनका ज़्यादा हाथ था, बड़े मज़े की बनी थी हमारे, हमने जो सालन बनाया था। तो ये है जी हमारी कोल्ड ड्रिंक है वो ठंडी हो रही है। उसके बाद हमने रेस्ट किया और जो हमारी अम्मी चाचियाँ थी वो कुकिंग कर रही थी और हम जो कज़न थे लड़के लड़के वो हमने कहा कि हम थोड़ा उधर जाते हैं घूमने, तो हम लोग निकल पड़े घूमने के लिए और वो बाकी सब आगे निकल गए और मैं ब्लॉग के चक्कर में पीछे रह गए। फिर मैं भाग भाग के गई उनके पास क्योंकि जगह ऐसी थी बंदा अकेला नहीं रह सकता था क्योंकि डर लगता था, हालांकि सेफ़ जगह थी, कोई नहीं था वहाँ। एक हम लोग गए हुए थे और दो फैमिलियाँ और थी, बाकी कोई नहीं था। तो एक मेरा कज़न था वो मेरे लिए रुका हुआ था। ये अब हम नीचे से ऊपर आए और वो आप लोग देख रहे हैं पीछे वो जो पीर था वो नज़र आ रहा था। इतनी ज़्यादा बातें करें कि अब मेरी जो सांस है वो फूल रही है और काफ़ी इंजॉय किया था। इतने मज़े मज़े के फ्लावर थे वहाँ पे, हालांकि वहाँ पानी देने वाला कोई नहीं होता, बस अल्लाह पाक की नेमतें हैं कि पानी के बगैर भी सब कुछ यहाँ उगा हुआ है, ग्रीनरी है। हालांकि हम लोग पानी अपने घरों में पौधों को पानी ना दें तो वो दो तीन दिनों में येलो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बस बारिश हो तभी इनको पानी मिलता है। इतने दूर से हम लोग चल के पहाड़ था, पहाड़ पहले ऊपर पहाड़ी पे चढ़े फिर नीचे आए फिर ऊपर आए हुए थे। हम लोगों को कमीशन था कि पहाड़ के एंड पे जाएं, लेकिन उधर हम नहीं जा सके क्योंकि बहुत दूर था। मेरे कज़न ने कहा आप लोग नहीं आए, लेकिन दो कज़न जो हैं वो पहाड़ पे उधर पहुँच तो गए थे लेकिन वापसी पर उनको रास्ता नहीं मिलता था, तो वो कह रहे थे अब हम कहाँ से आएँ। और ये जी हमारे जो बच्चे थे वो उनके लिए हमने झूला बनाया हुआ था, वो यहाँ पर सो रहे थे। उसके बाद वहाँ पे दो जो फैमिली आई हुई थी वो पठान थे और वो जो बच्चे थे हमारे साथ घुल मिल गए थे, उनके मैंने वीडियो बना रही थी। उसके बाद ये पानी आता, इतना ठंडा पानी था दिल कर रहा था पीने लेकिन पिए नहीं था। हम अपना पानी लेके गए थे, काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे। और उम्मीद है मेरा आज का जो व्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगेगा और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग भी वहाँ एक बार ज़रूर जाएं। और मेरी एक फ्रेंड की सिस्टर है छोटी सी, इसका नाम है इंशरा, तो वो आज हम शादी पे गए तो मुझे कह रही है आप ही मैं आपके व्लॉग जो हैं वो ज़रूर देखती हूँ डेली। तो मेरी एक टीचर है लाइबा नाम है उसका, वो भी देखती है आपके शो के। मैंने कहा चलो जी थैंक यू सो मच, तो मैंने उसे कहा था कि चलो ठीक है मैं जो अब नेक्स्ट व्लॉग है वो जो अपलोड करूँगी तो तुम्हारा नाम उठाऊँगी। तो इंशरा अब बताओ मेरा व्लॉग अच्छा लगा है कि नहीं। इसके बाद जी अब हम लोग एक फैमिली थी उनके पास पानी नहीं था कि नहीं पैसे मिलने उनको गए थे हम लोग, तो उनसे मिले हैं। ये मेरी दो चचियाँ हैं, हम कज़नें थी और मेरी मम्मी थी, उनके पास गए थोड़ा उनके साथ बात वगैरह की और वापस आ गए थे। और काफ़ी इंजॉय किया, यही दिन होते हैं, सारे कज़न्स आए हुए थे छुट्टी तो हम लोग घूमने चले गए। वैसे
कोई ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो अब हम वापस जा रहे हैं घूम फिर के, ज़्यादा लोग नहीं बना सके, और जो हमने खाना बनाया था उसका भी नहीं बना सके क्योंकि हम लोग ऊपर थे नीचे आए तो फिर भूख लगी हुई थी, तो बैठे और खाना खा लिया, वीडियो नहीं बना सके। ये अब हम लोग जा रहे हैं वापस, और बहुत मज़े की जगह है, आप सब देख सकते हैं। और ये अब हम फिर एक बार आए थे पीर पे, सलाम किया, थोड़ा रेस्ट किया, मैं बैठी थी, फिर मेरी दो कज़नें जो हैं वो भी मेरे साथ आके बैठ गई। काफ़ी नीचे हमने जाना था तो रेस्ट किया, पानी वगैरह पिया, क्योंकि नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर नीचे यही लगा रहा। तो घर जब हम लोग आए तो फिर जो हमारी टांगी थी उन्होंने हमें जवाब दे दिया, और जो है वहाँ कांटे भी थे, मेरे पाँव में इतनी ज़्यादा चोटें लगी थी कि वो मैंने व्लॉग बनाया था, छोटी सी क्लिप बनाया था, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई वीडियो, क्योंकि काफ़ी व्लॉग बने हुए थे ना मेरे पास, तो वो आगे पीछे हो गया। अब हम वापस आ रहे हैं, यहाँ ज़्यादातर पहाड़ ही पहाड़ थे, काफ़ी अच्छी जगह थी, और उम्मीद है आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। और जी आप लोग बताएं, आप लोग ईद पे कहीं घूमने गए थे कि नहीं? हमारा ज़्यादातर प्लान होता है, हम लोग प्लेन मैं समझी कि मैंने शायद गलत बोल दिया है, तो हम लोग घूमने जाएं लेकिन कभी जाते हैं कभी नहीं, क्योंकि कभी किसी का मूड होता है और कभी नहीं होता, लेकिन इस बार सबका यही मूड था कि हम लोग घूमने जाएं। पहले इरादा और जगह का था लेकिन फिर हम लोग यहाँ पे चले गए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।